Hi kids, welcome to your SST class, and I'm your teacher and mentor Ananya, and I'm back with a new chapter of your Jelly Bean Journeys in Social Studies by Brain Root Publications. So far we have covered four chapters of this book, and today we are about to start the fifth chapter. Okay? And what is the title of the fifth chapter? The title of the fifth chapter is Weather and Climate. तो आज हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आज हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी मूव फर्दर, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स वी आर कवरिंग इन दिस चैप्टर. हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी वेदर और क्लाइमेट एक दूसरे से कैसे अलग है वो समझेंगे. फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट, क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. डिफरेंट हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे और मेजर क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ द हेयर इज अ स्मॉल एक्टिविटी विच यू ऑल नीड टू डू. क्या है एक्टिविटी, मैं आपको समझा देती हूँ. सपोज यू लिव इन दिल्ली, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू वियर फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप यूजुअली किस तरह के कपड़े ज़्यादातर ईयर में पहनते हैं. एक्चुअली इफ़ यू आर स्टेइंग इन दिल्ली, दिल्ली इज़ अ प्लेस विच एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. गर्मियों में बहुत गर्मी रहती है और सर्दियों में बहुत सर्दी रहती है. सो गर्मियों के मौसम में दिल्ली के लोग जो हैं कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं और सर्दियों में एक्सट्रीम में काफ़ी ज़्यादा वुलन्स पहनते हैं. ठीक है, नाउ कंपेयर योर क्लोथ्स विद द पीपल हु लिव नियर द सी, व्हाई देयर क्लोथ्स आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स. इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अगर हमारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव कोस्टल एरियाज में रहता है, मतलब ऐसा कोई जगह जो कि समुद्र के किनारे हो, इनके पास में रहता है, तो फिर वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं. क्या वो भी हमारी तरह कॉटन और वुलन क्लोथ्स पहनते हैं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो कैसे और क्यों वो हमसे अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है. आगे बढ़ते हैं, लेट्स बिगिन द चैप्टर. The seasons are the result of change in weather conditions. Our lifestyle are greatly dependent on the seasons. Our food, clothing, etc. are shaped by seasonal changes that we experiences. हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह का खाना खाते हैं, ये काफ़ी हद तक जो हमारे आसपास सीजन हैं, है ना, जो ऋतुएं हैं उन पे निर्भर करता है. According to the season, we change our food and क्लोथ्स, है ना, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो हम क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें खाना प्रेफर करते हैं, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ीज़, ठंडी ठंडी चीज़ें हमें बहुत पसंद है, दही, है ना, हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो कि हमें राहत दे गर्मी से, कॉटन क्लोथ्स प्रेफरेबल हैं जो पसीना सोख लेते हैं, राइट. और वहीं अगर अचानक से सर्दी आ जाए, काफ़ी ठंड पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनना शुरू कर देते हैं, खाने में भी गर्म गर्म चीज़ें पसंद करते हैं, है ना, ठंडा खाना पसंद नहीं करते हैं, चाय गर्मा गर्म मिल जाए, कॉफ़ी गर्मी गर्म मिल जाए, ताकि हमें जो है सर्दी से थोड़ी राहत मिल सके. तो हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो काफ़ी हद तक क्या है, सीजन्स पे डिपेंड करता है. लाइक सीजनल चेंजेस, क्लाइमेट ऑफ अ रीजन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग देयर. और जिस तरह से सीजन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक उसी तरह से क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जीव जंतु के लाइफ में. ठीक है, अब समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, वेदर एंड क्लाइमेट. तो इन दोनों में समानता है या असमानता है, दोनों एक चीज़ तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं. तो हमें ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं ये समझना ज़रूरी है, तो आइए पता करते हैं. मेनी टाइम्स द टर्म वेदर एंड क्लाइमेट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट द फैक्ट इज़ दैट दीज टू आर नॉट सेम. कई बार क्या होता है, जिन लोगों को पता नहीं होता वो वेदर और क्लाइमेट को एक साथ यूज़ कर लेते हैं, मतलब कभी वेदर की जगह पे क्लाइमेट बोल देते हैं, कभी क्लाइमेट की जगह पे वेदर बोल देते हैं.
पर एक्चुअली इन रियलिटी ये दोनों ही बहुत ज़्यादा भिन्न हैं, ये अलग अलग टर्म्स है, दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वेदर इज़ द डे टू डे चेंज इन एटमोस्फेरिक कंडीशन, यानी दिन में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम वेदर बोलते हैं. हमारे एटमोसफेयर में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मान लो दिन में सुबह गर्मी थी, फिर अचानक से गर्मी कम हो गई, रात को अचानक थोड़ी बहुत बारिश हो गई, या रात अचानक से ठंडा हो गया, ये है चेंजेस इन द वेदर. ठीक है, यानी डे टू डे चेंजेस जो हो रहे हैं वो वेदर कहा जाता है. इट टेंड्स टू चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बदलता है. क्लाइमेट ऑन द अदर हैंड इज अ लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन. क्लाइमेट वेदर की तरह हर दूसरे तीसरे दिन बदलता नहीं है. क्लाइमेट किसी भी रीजन का, किसी पर्टिकुलर एरिया का, बहुत लंबे समय तक जब हम नोटिस करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर वेदर ज़्यादा दिनों के लिए रहता है, उसको हम फाइनली क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है, सो वी कैन डिफाइन वेदर एज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एटमोसफेयर इन रिलेशन टू कोल्ड, हीट, रेन, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, स्टॉर्म और क्लाउड, क्लैरिटी ऑफ स्काई और क्लाउडीनेस. वेयर एज अगर हमें क्लाइमेट को डिफाइन करना हो, देन वी विल से क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यानी मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा किसी जगह पे ठंडी है तो हम वहाँ के क्लाइमेट को ठंड बोलेंगे. फॉर एग्जांपल हिल स्टेशन में ज़्यादातर दिन जो है ठंड रहती है ना. कभी कभार ही कुछ ही दिनों के लिए जो है नॉर्मल होता है वेदर, अदरवाइज मोस्टली टाइम जो है वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ठंड ही रहती है, तो इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट हम ठंडा बोलेंगे. क्लियर. इसी तरह से डेजर्ट्स में मोस्टली जो है गर्मी रहती है, डेजर्ट रीजन्स जो होते हैं वहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है, इसीलिए वहाँ का क्लाइमेट हम हॉट और ड्राई बोलते हैं. ऑलराइट. बोथ वेदर एंड क्लाइमेट सिग्निफाई द एटमोस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ रीजन और अ प्लेस डिटरमाइंड बाय सम मेजर फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, शाइन, सनशाइन, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड. यानी क्लाइमेट और वेदर दोनों को ही पता करने के लिए हमें कुछ एटमोस्फेरिक कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है, और ये एटमोस्फेरिक कंडीशंस यहाँ पे लिस्टेड है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे कि हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी, क्लाउड यानी बादल कितने हैं, सनशाइन, एयर प्रेशर, विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड. इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, क्योंकि ये सभी वेदर और क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके, सो लेट्स टेक देम वन बाय वन. सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट. ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं. क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ लार्ज एरिया. यानी एक बड़े से एरिया में कोई पर्टिकुलर वेदर कितने दिनों तक रहता है, एवरेज वेदर जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा उसको ही हम उस रीजन का क्लाइमेट मान लेते हैं. वाइल द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, क्लाइमेट रिमेन्स द सेम ईयर आफ्टर ईयर. वेदर जो है दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो सालों साल उस जगह का वैसा ही रहेगा. On the basis of climatic conditions, we divide the earth into different climatic regions. The factors that determine the climate of a place are distance from the equator. आपको याद है हमने second chapter में longitudes and latitudes पढ़े थे और हमने equator के बारे में पढ़ा था. Equator एक imaginary line है, right? You remember it is an imaginary line which divides the earth into two equal halves. ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये जो है एक इमेजिनरी लाइन जा रही है 0 degree पर, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं. राइट, सो ये अर्थ को दो हिस्सों में बांट देती है, नॉर्थ और साउथ. क्लियर. सो इक्वेटर से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है किसी जगह का, उस पर भी क्लाइमेट निर्भर करता है. जो एरियाज इक्वेटर पर या इक्वेटर के आसपास होंगे वो सारे एरियाज काफ़ी ज़्यादा गर्म होंगे या बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सूरज की जो है डायरेक्ट, यहाँ पे सूरज की है जो डायरेक्ट सनरेज गिरती हैं इक्वेटर पे. ठीक है, वेयर एज
अगर इक्वेटर से दूर है, जैसे ये पोल्स का जो एरिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एरिया इक्वेटर से काफ़ी दूर है, ठीक है, डिस्टेंस पर है, सो इसीलिए ये जो पोल्स वाला रीजन होगा ये ठंडा होगा, क्योंकि यहाँ सन रेज पहुँच नहीं पाती हैं ठीक से. ओके, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सन रेज आर स्लांटिंग विच मेक्स द क्लाइमेट रिलेटिवली लेस हॉट. Hence, areas near the poles are cooler than those near the equator. जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर इक्वेटर के आसपास कोई जगह होगी तो वो गर्मी एक्सपीरियंस करेगी, और इक्वेटर से दूर यानी पोल्स के आसपास जो जगह होगी वो काफ़ी ठंडी होगी. ओके, देन ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. वॉट इज़ ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, यानी कोई जगह कितनी ऊँचाई पर स्थित है. Clear? The height of a place above the sea level also influences the climate. यानी समुंदर से कितनी ऊंचाई पे कोई जगह स्थित है. The higher we go, the cooler it gets. यानी अगर कोई जगह समुंदर के बहुत पास होगी तो वहाँ पे जो है usually sea waves के ऊपर गर्मी या सर्दी निर्भर करेगी. और अगर समुंदर से बहुत दूर है, बहुत काफ़ी ऊंचाई पे है, height पे है, तो वो जगह जो है ठंडी होती चली जाएगी. प्लेसेज सिचुएटेड एट हायर ऑल्टीट्यूड्स आर कूलर देन द प्लेसेज लोकेटेड एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स. यानी जो जगह काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है वो हमेशा ज़्यादा ठंडी होगी, और जो जगह थोड़ा नीचे है वो थोड़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ा कम ठंडा होगा. ठीक है, इसीलिए जब हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, हिल स्टेशंस पे घूमने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं ठंड जो है बढ़ती रहती है. और ऐसा भी देखा गया है कि कई जगहों पे तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी हैं. ठीक है, दिस शोज दैट द हिल स्टेशंस आर कोल्ड इवन इन समर्स. जैसे कि गर्मियों की छुट्टियों में यूजुअली हम अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ हिल स्टेशंस जाते हैं, इसी से हमें पता चलता है हिल स्टेशन क्यों ठंडे होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं और वहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है या मौसम जो है हमेशा ठंडा रहता है. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवा किस गति या किस दिशा में बह रहा है. ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई द डायरेक्शन ऑफ विंड. The wind that blows from the sea to land is called sea breeze. यानी sea से land की तरफ जो wind जाएगी उसको हम sea breeze बोलेंगे. ठीक है, मान लो ये आपका water body है यानी ocean है, और यहाँ पे आपका land है. Clear? इस जगह आपका land है, तो ये जो sea से जो wind land की तरफ जा रही है इसको हम बोलेंगे सी ब्रीज. समझ में आ रहा है, क्योंकि सी से जो है लैंड की तरफ जा रहे हैं. कई बार हवा जो है उल्टा भी आती है, कई बार लैंड की तरफ से भी पानी, यानी लैंड की तरफ से पानी की तरफ यानी ओशन की तरफ हवा चल के आएगी. ठीक है, तो जो लैंड की तरफ से हवा ओशंस की तरफ आती है उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. ठीक है, लैंड की तरफ से आ रही है इसलिए लैंड ब्रीज. क्लियर, सो द डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. सी की तरफ से अगर हवा लैंड की तरफ जा रही है तो सी ब्रीज, और अगर लैंड की तरफ से हवा आ रही है तो वो है लैंड ब्रीज. ठीक है, द लैंड ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम वार्म एरियाज विल बी वार्म एंड ड्राई. सिमिलरली द ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड एरियाज विल बी कोल्ड एंड ड्राई. अब इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब समुंदर की तरफ से पानी लैंड की तरफ जा रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है. ठीक है, क्योंकि पानी की तरफ से हवा जो है जा रही है तो एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहता है, और ये जो सी ब्रीज है ये बेसिकली बारिश लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है. उसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लैंड ब्रीज है यानी समतल धरा के तरफ से जो हवा की गति आ रही है ना, जो लैंड की तरफ से हवा चलते हुए ओशंस की तरफ जा रही है वो उसमें यूजुअली जो है पानी का कंटेंट नहीं रहता है, वो काफ़ी ड्राई होगी. ठीक है, वो काफ़ी क्या होगी, ड्राई होगी. अगर हॉट रीजन्स की तरह यानी हॉट लैंड की तरफ से हवा चल के आ रही है तो हवा गर्म होगी,
और अगर कूलर रीजन्स की तरफ से यानी ठंडी जगह की तरफ से हवा बह के आ रही है तो वो हवा ठंडी होगी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. यानी किसी भी ओशन से या सी से आप जिस लोकेशन पे रहते हैं उसकी दूरी कितनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अगर हम कोस्ट के पास में रहेंगे यानी समुद्र तट के आसपास हमारा शहर है या हमारा घर है तो हम ना तो बहुत ज़्यादा ठंड एक्सपीरियंस करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी. टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर हमारा घर जो है समुंदर से काफ़ी ज़्यादा दूर है यानी कोस्टल एरिया से काफ़ी फार अवे है तो फिर हम वेदर कंडीशंस में एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखेंगे. मतलब कि या तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी. प्लेसेस सिचुएटेड नियर द कोस्ट आर नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो समुद्र तट या समुद्र के किनारे के पास जो जगह है वो ना तो ज़्यादा ठंडा होगा ना ही ज़्यादा गर्म होगा. लेकिन जो दूर होंगे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएंगे. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. एक तरफ से सी से हवा जा रही है और वहीं दूसरी तरफ से लैंड से हवा आ रही है, तो दोनों एयर को बैलेंस कर रहा है. ठीक है, लैंड हीट्स अप मोर क्विकली देन वाटर, हेंस इट इज़ हॉटर देन सी. एज यू नो, हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, देयरफॉर वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस. द कूल एयर फ्रॉम द सी कम्स टू टेक इन प्लेस, इट कूल्स द लैंड नियर द कोस्ट. सो ये जो एयर का मूवमेंट होता रहता है, मतलब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कैसा क्लाइमेट देखते हैं? इक्वेबल क्लाइमेट. इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब होता है इक्वल क्लाइमेट, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी. ठीक है, लेकिन अगर हम दूर जाएंगे, ऑन द अदर हैंड एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन मोर क्विकली देन द सी. द सी कूल्स डाउन स्लोली, द एयर अबव द सी इज वार्मर एंड राइजेस. द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड्स द सी. अब दो पिक्चर्स दे दी हैं, देखो, कूल ब्रीज और वार्म ब्रीज है ना, लैंड से गर्म हवा और सी से ठंडी हवा. इस तरह से ये साइकिल चलता रहता तो एटमोसफेयर में बैलेंस मेंटेन रहता है. इसी तरह रात को भी ये बैलेंस मेंटेन्ड ही रहता है. रात को पानी में से गर्म हवा आ जाती है और लैंड में से ठंडी हवा आती है, तो ये साइकिल चलता रहता है. और इसीलिए जो है कोस्टल रीजन्स जो हैं इक्वेबल क्लाइमेट्स एक्सपीरियंस करते हैं. लेवल ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. अब हम मॉइस्चर का लेवल भी किसी जगह की क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. मॉइस्चर यानी कितना ज़्यादा भाप या पानी का अमाउंट कितना ज़्यादा है किसी भी जगह के हवा के अंदर. ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. ह्यूमिडिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी वाटर वेपर एयर में कितना है किसी जगह में, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ठीक है, इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, इट रेगुलेट्स द प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इन दैट एरिया. यानी ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि किसी भी जगह की वातावरण को संतुलित रखने में मदद करता है. रेनफॉल भी ह्यूमिडिटी पे ही निर्भर करती है. इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस द हाइएस्ट रेनफॉल इन द ईयर. जो इक्वेटर के आसपास हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है. और जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हैं यानी जो बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा बारिश होगी. जो जगह इक्वेटर से दूर होंगे या फिर लो हाइट्स पे होंगे वो लोग सीजनल रेनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे, यानी सिर्फ बारिश के मौसम में ही बारिश को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं. द विंड्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे कम. यानी हवाओं का जो नाम है वो हम जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है, जिस दिशा से हवा आ रही है, उसी के ऊपर उनका नाम रखते हैं. जैसे कि अगर कोई हवा ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट चल रही है तो हम उसे वेस्ट विंड बोलते हैं. ऐसे ही कोई हवा अगर ईस्ट टू वेस्ट चलेगी तो उसे हम ईस्ट विंड बोलेंगे. अगर नॉर्थ से हवा आ रही है तो हम उसे नॉर्थ विंड बोलेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ.
दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने में। नाउ एज यू कैन सी चिल्ड्रन, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ जो है, जो इम्पॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स याद है आपको, हमने पढ़े थे, दिस इज़ द इक्वेटर जो 0 डिग्री पे है। उसके बाद हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये आर्कटिक सर्कल और ये एंटार्कटिक सर्कल, याद है हमने ये इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़े थे। ये जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं बेटा, ये हमारे अर्थ को कुछ डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं हीट जोन्स। सूरज की किरणें अर्थ पर कैसे पड़ेंगी उसके ऊपर निर्भर करता है कि अर्थ पे कौन सा जोन कहाँ पर होगा, क्लियर। मान लो ये अगर हमारा सन है तो ये अर्थ है, वो हीट रिसीव कर रहा है। बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सन लाइट विच द अर्थ रिसीव्स, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टेम्परेचर और हीट जोन्स। जितना सनलाइट जहाँ रिसीव होता है उसके ऊपर निर्भर करके हमने 3 मेजर हीट जोन्स बनाए हैं। अब ये 3 मेजर हीट जोन्स क्या क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सन रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं इक्वेटर के पास, तो इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। सो इस जोन में डायरेक्टली सन रेज गिरती हैं तो इसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज़ द हॉटेस्ट जोन। यहाँ पे सन लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ और डायरेक्ट पड़ती हैं, इसीलिए ये इन जगहों पे, मतलब ये इक्वेटर से काफ़ी पास है, इन जगहों पे जो भी लोकेशंस होंगी वो बहुत ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस करेंगी और रेनफॉल भी उतनी ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगी, ठीक है। इसके बाद जो है सन रेज थोड़ी सी स्लांटिंग हो जाती हैं, ठीक है, थोड़ी सी, एज यू कैन सी थोड़ा थोड़ा तिरछा जा रहा है, सो थोड़ा सा डायगनल या स्लांटिंग हो जाती है सन रेज। इसीलिए ये जो येलो कलर से दिखाया है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन, यानी कि यहाँ पे जो है क्लाइमेट संतुलित रहता है। यहाँ टेम्परेट जोन में जो भी लोकेशंस आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं रहेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉटनेस भी नहीं रहेगी, वेदर में एक बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। एंड लास्ट आते हैं हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ फ्रिजिड जोन, यानी फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड वर्ड जो है वो आइस से आया है। ये जो फ्रिजिड है इसको हम आइस से बोलते हैं, और क्योंकि ये पोल्स के पास है तो इसको हम पोलर जोन भी बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये पोल्स के पास है तो यहाँ पे यूजुअली सन रेज जो है पहुँच ही नहीं पाती, बहुत कम, बहुत ही रेयर केसेस में सन की जो रोशनी है वो इन जोन्स पे पहुँच पाती है। और इसीलिए सन रेज ना पहुँचने की वजह से और पोल्स के पास होने की वजह से ये जो दोनों एरियाज़ हैं ये ठंड एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, यानी यहाँ पे हमेशा साल भर आइस ही आइस नज़र आती है। एंड दैट इज़ वॉय दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन, ठीक है। जो नॉर्थ की तरफ है वो है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, और जो साउथ में है वो है साउथ फ्रिजिड जोन, क्लियर। सो इस तरह से बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, यानी कितनी गर्मी रिसीव कर पा रहा है कोई एरिया, उसके ऊपर हमने अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ लेट अस टेक दीज जोन्स वन बाय वन। हम इन जोन्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरिड, टॉरिड जोन का मतलब है हॉट जोन, ठीक है। टॉरिड वर्ड का मतलब ही होता है हॉट, यानी गर्म। तो दैट मीन्स दिस जोन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज सन रेज इस पर वर्टिकली या डायरेक्टली पड़ती हैं। दिस जोन इज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है ये जोन। अब आते हैं हम टेम्परेट जोन पर। द टेम्परेट जोन लाइज इन बोथ हेमिस्फेयर्स, दोनों हेमिस्फेयर्स में ही टेम्परेट जोन है। नॉर्थ टेम्परेट जोन नॉर्थ हेमिस्फेयर में है एंड साउथ टेम्परेट जोन साउथ हेमिस्फेयर में है। और ये
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में आता है. हमने येलो जोन जो पढ़ा था लास्ट पिक्चर में, ठीक है. दीज जोन्स आर नीदर टू हॉट नीदर टू कोल्ड, यानी ये जो जोन्स हैं यहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड रहेगी. एक संतुलित सा वातावरण रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा. ओके, लास्ट इज अवर फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड मीन्स कोल्ड. फ्रिजिड का मतलब है कोल्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है. ये जो जोन है ये बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल या फिर बियॉन्ड एंटार्कटिक सर्कल है, यानी पोल्स के बहुत पास है. और पोल्स के पास होने की वजह से ये हमेशा ही यहाँ का टेम्परेचर लो रहता है और काफ़ी ठंडा रहता है. दिस इज़ ड्यू टू द एक्सट्रीम स्लांटिंग ऑफ सन रेज. मैंने आपको बताया था कि सन रेज यहाँ पे बिल्कुल स्लांटिंग हो जाती है, कई बार सन रेज यहाँ पहुँच ही नहीं पाती हैं. द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वेयर एज द साउथ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द एंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, ऑलराइट, इन द सदर्न हेमिस्फेयर. क्लियर. अब एक फन फैक्ट पढ़ लेते हैं. पीपल हु स्टडी वेदर कंडीशंस आर कॉल्ड मीटियोरोलॉजिस्ट. जो वेदर कंडीशन पढ़ते हैं उनको हम मीटियोरोलॉजिस्ट बोलते हैं, और जो क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं उन्हें हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है. मेजर क्लाइमेटिक जोन्स. अब हम कुछ मेजर क्लाइमेट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, वी डिवाइड द अर्थ इंटू सेवन मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड एंड देयर प्रॉक्सिमिटी टू लार्ज वाटर बॉडीज. यानी चार इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स लिए हैं हमने. किसी भी जगह को क्लाइमेट निर्धारित करने के लिए हम चार फैक्टर्स को ले रहे हैं. एक कि किस लैटिट्यूड के बीच में है, नेक्स्ट कितना सनलाइट रिसीव हो रहा है, ऑलराइट. उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कितनी ज़्यादा वर्षा या रेनफॉल रिसीव हो रही है. एंड लास्ट बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज यानी सी, ओशन, रिवर, इनसे कितनी दूरी पर कोई जगह है. सबसे पहला जो हमारा क्लाइमेटिक जोन है वो है ट्रॉपिकल वेट जोन, ठीक है. This is a seasonless climatic zone. There are no great variation in temperature throughout the year. यहाँ पे कोई temperature का बहुत ज़्यादा change नहीं होता है. This region remains very hot and humid. इस region में बहुत ज़्यादा गर्मी और भाप रहती है. Rainfall is a daily affair. बारिश हमेशा होती रहेगी यहाँ पे. और almost 80 inches average annual rainfall जो है इन areas को मिलता है. दीज रीजन इज़ फाउंड अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर के पास में, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पे ये सारे जो है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट हमें मिलता है. और अगर आप ध्यान से मैप में देखें तो ये सारे रीजन्स ऑलमोस्ट हमारे टॉरिड जोन में आते हैं, यानी इक्वेटर के आसपास आते हैं, राइट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज डेजर्ट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अ ड्राई क्लाइमेट जोन विद लेस देन 10 इंचेस ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी एक ऐसी जगह जो कि काफ़ी सूखा है जहाँ पे और वहाँ मिनिमम रेनफॉल होती है यानी बारिश सिर्फ नाम मात्र होती है, उसे हम डेजर्ट या मरुस्थल बोलते हैं. This area is not humid and hence the variation between day and night temperature is huge. यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रहता है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती, तो इसीलिए टेम्परेचर्स जो है दिन और रात में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं. दिन में जितनी गर्मी रहेगी रात को उतनी ही सर्दी रहती है. आप अगर डेजर्ट एरियाज में कभी घूमने गए, राजस्थान में कभी घूमने गए, तो आपको दिन को जितनी गर्मी लगेगी रात को आपको उतनी ही ठंड भी लग सकती है. However, due to lack of moisture, temperature dips down rapidly at night. The absence of sunlight makes it very cold. Okay? Hot desert of Sahara, Kalahari are in Africa. The Arabian deserts in the Middle East and the Thar desert in India are few examples. Clear? अब हम आगे बढ़ते हैं. Next, semi-arid regions. ठीक है? Semi-arid regions के बारे में पढ़ेंगे.
The semi-arid zone shares some features of the desert. Like the deserts, this zone does not receive much rainfall. अब जो semi-arid region है उसमें कई सारे features जो हैं desert की तरह होते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा rainfall नहीं होती है. This zone falls in the interior of continents, यानी continents के बीच में या interior में जो भी locations है वो इन zones में आएंगी. इनमें 16 inches annual rainfall होती है. Most of the western sides of South America, western Africa, etc. come under this climatic zone. इसके बाद हम आएंगे Mediterranean climate पर, ठीक है? The climatic zone is centered around the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea के आसपास का ये area है और ये बहुत ज़्यादा influence करते हैं यहाँ के climate को. This zone is characterized by dense human settlement and excellent agricultural population. इस जोन में बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन सेटलमेंट है, लोग बहुत आराम से रहना पसंद करते हैं और साथ ही में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, ठीक है. इट इज़ द जोन ऑफ ड्राई एंड हॉट समर एंड कोल्ड एंड रेनी विंटर. यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मिलती हैं, ड्राई और हॉट समर्स भी होते हैं और कोल्ड और रेनी विंटर्स भी देखने के लिए आपको मिलेंगे. It has been the cradle of many civilization. हम cradle इसलिए बोल रहे हैं civilization को क्योंकि इसने बहुत सारे civilizations और सभ्यताओं को जन्म दिया है, यानी लोगों ने इस particular zone में बहुत ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत किया है. Alright. Next zone is humid subtropical zone. Humid subtropical नाम से ही हमें पता चलता है कि यहाँ humidity बहुत ज़्यादा होगी और हॉट होगा और माइल्ड और कूलर विंटर्स होंगे, ठीक है. इस जोन में दिस जोन एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड समर, यानी समर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होगा, यानी गर्मी भी होगी समर्स में और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी. और विंटर्स में क्या होगा कि माइल्ड विंटर्स होंगे, बहुत एग्जैक्ट कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी लेकिन ठंड पड़ेगी, ठीक है. इट एक्सपीरियंसेस लॉन्ग पीरियड्स ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी. With increase in the latitude, the zone becomes cooler. जैसे जैसे latitude से हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, poles की तरफ जाते रहेंगे, atmosphere जो है उन locations में ठंडा होता जाएगा. This region is suitable for cultivation of rice. However, it experiences hurricanes due to its placement on the eastern coast of the continents. Northern Taiwan, Northern Vietnam and Japan experience this type of climate. ठीक है, यानी ताइवान, जापान और वियतनाम में आपको इस तरह का क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट आते हैं हम मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट. दिस क्लाइमेट जोन इज रेगुलेटेड बाय वार्म ओशनिक करेंट्स एंड हेंस इट हैज मॉडरेट टेम्परेचर. ये ओशन के वार्म करेंट्स के ऊपर निर्भर करता है और यहाँ का इसीलिए टेम्परेचर मॉडरेट है. हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो भी जगह ओशन से पास होगी वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी क्या होगा, मॉडरेट होगा. इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द ईयर. साल भर एक ही टेम्परेचर रहता है यहाँ पे. ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू ओशन द जोन रिमेन्स क्लाउडी, फॉगी एंड डैम्प थ्रू आउट द ईयर. रेनफॉल इज इवेंटली डिस्टर्ब, इट रेन्स हेविली थ्रू आउट द ईयर. द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, लंडन, आयरलैंड फॉल इन दिस जोन. यानी यहाँ पे आपको ये सारे लोकेशंस मिलेंगे, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, लंडन, आयरलैंड, ठीक है. ये सारे लोकेशंस आपको मेरीन वेस्ट कोस्ट के वेदर कंडीशन के या क्लाइमेट कंडीशन के अंडर मिलेंगे. आगे बढ़ते हैं ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, ठीक है. दिस क्लाइमेटिक जोन हैज फोर डिस्टिंक्ट सीजन्स विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. ये जो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन है यहाँ पे चार अलग अलग सीजन्स हम आराम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. समर्स बहुत गर्म होंगे, विंटर्स एक्सट्रीमली ठंडे होंगे और स्प्रिंग और ऑटम सीजन भी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है. दिस जोन लाइज बिटवीन 40 एंड 50 लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. इट एक्सपीरियंसेस वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन. डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है. इस रीजन में मतलब यहाँ इन लोकेशंस पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे. लास्ट इज टुंड्रा, ठीक है. लास्ट इज टुंड्रा. दिस इज़ फ्रीजिंग ट्रीलेस जोन ऑफ द अर्थ. यानी ऐसे जगह जो या तो बहुत हायर ऑल्टीट्यूड यानी पहाड़ों पर हैं या फिर पोल्स के पास हैं. दिस जोन रिसीव्स लेस देन 15 inches ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड हैज़ परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड. यानी आप जैसे देख सकते हैं
कि यहाँ परमानेंटली आइस जो है जमी ही रहती है, एक थिक लेयर ऑफ आइस हमेशा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. दिस इज नोन एज ऑल्सो परमाफ्रॉस्ट, इसीलिए इन जगह को हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, यानी परमानेंटली जहाँ पे फ्रॉस्ट हमेशा रहता है. ओके, समर्स यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं, ज़्यादातर एरिया जो है विंटर में ही कवर होता है, यानी यहाँ पे जो जगह मिलेंगी वहाँ पे समर्स सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए रहता है, महीनों के लिए भी नहीं, मान लो 3-4 हफ्ते या 5-6 हफ्ते, और उसके बाद पूरे साल भर यहाँ पे विंटर्स ही रहता है. क्लियर? अब एक हम फन फैक्ट, एआई फैक्ट पढ़ेंगे. एआई टूल्स कैन मेक फोरकास्ट मोर एक्यूरेट बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद डाटा सेट्स विदाउट अ ह्यूमन ऑपरेटर्स इनपुट्स. आजकल हम जानते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना बढ़ गया है, तो एआई के थ्रू हम रोज़ का वेदर कंडीशन ज़्यादा एक्यूरेटली जान सकते हैं. ठीक है, हमें पता चल सकता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, गर्मी होगी या सर्दी होगी, साथ ही में हम नेचुरल कैलेमिटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में भी सचेत हो सकते हैं, बिकॉज एआई विल बी मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द ह्यूमन ऑपरेटर्स इनपुट्स. क्लियर? इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं, पहले उनको समझ लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड इज हाइट ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी लेवल, समुंदर से कितना ऊंचाई पे है कोई जगह उसको हम ऑल्टीट्यूड बोलते हैं. क्लाइमेट, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, कोई ऐसा वेदर जो काफ़ी समय तक किसी एरिया में रहता है सालों तक, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. प्रेसिपिटेशन, एनी लिक्विड और फ्रोजन वाटर दैट फॉर्म्स इन द एटमोसफेयर एंड कम्स बैक टू अर्थ, यानी लिक्विड या फ्रोजन फॉर्म में जब बारिश आती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी रेनफॉल. मॉइस्चर, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट आर प्रेजेंट इन एयर. ठीक है, अब वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं. लेट्स लुक ओवर वॉट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी स्टडीड इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर एट गिवन टाइम एंड प्लेस एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली. देर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, यानी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठंड बढ़ती चली जाएगी. द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन्स, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. ओके, नाउ इट्स टाइम टू डू द एक्सरसाइजेस. चैप्टर हमने पढ़ लिया है, तो आइए अब हम अपना नॉलेज थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कितना हमें याद हुआ है. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज MCQ, सो लेट्स डू इट. फर्स्ट वन, विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता. ऑल्टीट्यूड, कस्टम्स, मॉइस्चर, विंड. सो कस्टम्स, परंपराएं क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करती. सेकेंड, द रीजन अबव द सी लेवल्स आर हॉटर, मॉडरेट, कोल्डर, लाइटर. जो भी सी लेवल से ऊपर की तरफ होंगे एरियाज, वो हॉट होंगे, मॉडरेट होंगे, कोल्डर होंगे या फिर लाइटर होंगे. अगर सी लेवल से काफ़ी ऊपर हैं तो फिर कोल्डर होंगे. ठीक है, और जितना ऊंचा जाते जाएंगे उतना ही कोल्ड जो है वो बढ़ता जाएगा. थर्ड, पीपल हु स्टडी वेदर कंडीशंस आर कॉल्ड, वेदर कंडीशंस जो लोग पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट्स. ठीक है, जो वेदर के बारे में पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट्स. लेट्स प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, हमें फिल करने हैं प्रॉपर वर्ड्स ताकि इन सेंटेंसेस को हम कंप्लीट कर सकें. फर्स्ट, आवर डैश आर ग्रेटली डिपेंड ऑन द सीजन्स वी एक्सपीरियंस, आवर लाइफ स्टाइल, है ना, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, फूड, क्लोथिंग, ये सब हमारे सीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है. सेकेंड, डैश इज द डे टू डे चेंज इन एटमोसफेयरिक कंडीशंस. तो वेदर, वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, इसीलिए वेदर. थर्ड, डैश रीजन्स एक्सपीरियंस द हाइएस्ट रेनफॉल. कौन से रीजन्स में हाइएस्ट रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स. ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे.
Fourth, the dash are named according to the direction from which they come. तो wind, हवा का नाम जो है जिस दिशा से वो आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है. Fifth, the dash zone lies both the hemispheres. कौन सा जोन दोनों हेमिस्फेयर्स में आता है? Alright, the temperate zone. The temperate zone. Now let's come to see. Match the following. वैसे यहाँ पे आप बेटा थ्री zones भी कर सकते हैं क्योंकि frigid zone, temperate zone, torrid zone तीनों ही दोनों hemispheres पे ही होते हैं. अगर हम north hemisphere पढ़ेंगे और south hemisphere पढ़ेंगे तो तीनों zones का ही बटा हुआ है. तो बेटर है आप इसे थ्री zones लिखिएगा. ठीक है, थ्री zones. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग. लेट्स डू मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट टॉरिड जोन. टॉरिड जोन इज वेरी हॉट, बहुत गर्म रहता है. टेम्परेट जोन, जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है तो वेरी कोल्ड. एंड ऑल्टीट्यूड, द हाइट अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से किसी जगह का हाइट कितना ऊपर है. ठीक है, सी लेवल से कोई जगह कितनी ऊंचाई पे स्थित है या लोकेटेड है. सो आई होप यू हैव डन ऑल द एक्सरसाइजेस चिल्ड्रन. सो विद दिस वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. नाउ इट्स टाइम टू बिड गुड बाय टू यू ऑल. द सेशन इज कम्प्लीट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट क्लियरली and also understood what are the different factors that affect the weather. Clear? So children, with this we come to an end to today's session. I will meet you again with a new chapter of your Jelly Bean Journeys book very soon. So stay tuned for the upcoming video. Bye bye and take care.